प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब इंटरव्यू में कितने लोग थे एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मतलब सब लोग वेलकमिंग थे, ऐसा कोई ग्रिलिंग वगैरह कुछ था नहीं। पांच लोग थे सर इंटरव्यू में, चेयरमैन सर खुद थे, एक ईडी लेवल के एचआर के जो ईडी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर वो थे, एक मैम थी जिनका नाम मुझे पता नहीं है सर, और दो लोग थे सर, मोस्टली आईएफएससी से ही थे। ओके ओके, एंड टेक्निकल सवाल किस तरीके का था? सर टेक्निकल सवाल काफी बेसिक था, कुछ थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था, कुछ बेसिक था। मुझे सर ने पहले पूछा कि रिसेंटली कुछ एनपीए का प्रॉब्लम जो बैंक्स में हुआ था, तो उसको रिकवर करने के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए, या अब वो प्रॉब्लम कैसे चल रहा है। तो जैसे कि आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि एनपीएस अब बहुत कम हो गए, कंट्रोल में आ गए, 5% था, वो तो सर से एक्सपेक्टेड था सर को, तो वैसा जवाब दिया सर मैंने। और सर ने मुझे, चेयरमैन सर ने पूछा फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में पूछा। अच्छा, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये पूछा। और सर ने पी नोट्स के बारे में पूछा, पी नोट्स अभी वापिस एक बार न्यूज़पेपर में आया था ना, इसके बारे में गिफ्ट में अलाउ करेंगे, तो सर ने पी नोट्स का कंसेप्ट मुझे पूछा कि वो होता क्या है, तो सभी वापिस ला रही है, सभी ने वापिस लाने का ये किया है, ऐसे सर ने खुद बताया। मोस्ट ऑफ द सर इट वॉज लाइक अ कॉन्वर्सेशन सर, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं था। अच्छा, तो सर ने वो पूछा मुझे, फिर पी नोट्स के बारे में पूछा, सर ने बोला पी नोट्स में प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है, मतलब वो लोग सब डरते क्यों, तो मैंने बोला वो फंडिंग की वजह से, तो सर ने बोला यस यस राइट, कि बाबा जो पी नोट्स, जो बंदा पी नोट ये कर रहा है उसका अपने को सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं ना, वो टेररिज्म का पैसा हो सकता है, ड्रग मनी हो सकता है, वो चीज का। करेक्ट करेक्ट, या तो वो पी नोट्स का एक पूछा सर। सर डिबेंचर के बारे में पूछा मुझे। अच्छा, कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स कौन से होते हैं और कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है, ये पूछा, ये सवाल पूछा। और सर एचआर का सवाल थोड़ा सा कुछ अजीब था, मतलब वो शायद से मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछा होगा, तो उन्होंने मेरा जो फॉर्म था वो फॉर्म देखा, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें से मुझे पूछा कि आप महाराष्ट्र से हो, ये चेयरमैन सर ने नहीं पूछा, ये जो एचआर के सर थे उन्होंने पूछा। ओके, तो वो सर ने मुझे पूछा आप महाराष्ट्र से हो, तो अभी कुछ बहुत ज्यादा बॉर्डर इशू चल रहा है महाराष्ट्र का कुछ स्टेट्स के साथ, तो कर्नाटक के साथ, तो ये ऐसा चल रहा है बेलगांव वगैरह के बारे में, तो कैन यू गिव मी मोर इनसाइट्स अबाउट इट, क्या डीपर प्रॉब्लम का पता है क्या सर? तो मुझे एग्जैक्टली इतना रीजन वजह पता नहीं था, तो मैंने बता दिया कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम सॉरी। तो बोले इट्स ओके, नो नीड टू बी सॉरी, सम क्वेश्चंस यू माइट नो सम। फिर उन्होंने थोड़ा सा गूगली खेला सर, मतलब पूरे पैनल में, मतलब ये हो गया, सर ने देखा कि रिलीजन में हिंदू लिखा था। अच्छा। तो सर ने मुझे लिया पूछा कि ये बताओ कि हिंदुइज्म रिलीजन है या जो भी बंदा कोई है, कोई भी जो नहीं फॉलो करता उसे भी हिंदुइज्म बोल सकते हो, तुम हिंदू बोल सकते हो, हिंदू ऐसा एक रिलीजन है डिफाइन किया गया है कि एक जेनरिक टर्म। तो फिर एक जो मैम बैठी थी उन्होंने थोड़ा सा इलेबरेट किया कि वुड यू पुट इट इन अ रिलीजन पर्सपेक्टिव और वुड यू पुट इट इन अ लाइक वे ऑफ लाइफ। तो पहले मैंने बोल दिया मैम आई थिंक सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, पहले मैंने बता दिया कि आई डोंट हैव एनी स्टडी अबाउट इट, आई एम नॉट रेड अबाउट इट द लॉट इन फिलोसॉफी। तो ओके, तो फिर वो एचआर सर ने बताना शुरू कर दिया, हाँ वे ऑफ लाइफ है, ओके ठीक है, बट हिंदुइज्म में जैसे दूसरे रिलीजन में रिचुअल्स है कोई ये, तो हिंदुइज्म में भी उन्होंने कुछ टर्म्स बोले जो मुझे भी मालूम नहीं है सर क्या था वो, चार वर्क वार वर्क ऐसा कुछ उन्होंने बताया और बोला ऐसा, तो मैंने बोला यस सर यू आर राइट सर ओके। तो फिर सर ने बोला अच्छा ओके, मतलब तुम ये मानते हो कि रिलीजन भी है, तो मैंने बोला यस सर। तो सब सारे पैनल मेंबर्स हंसने लगे, तो उन्होंने बोला, मतलब वो मैम ने बोला सबको कि ही इज वेरी इंक्लूसिव, मतलब ही इज टेलिंग यस टू एवरीथिंग। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा इतना ये रिलीजन के बारे में पढ़ाई नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। तो ठीक है, वो सब हंस रहे थे, अच्छा बोला। फिर बाद में ऑलमोस्ट सर एंड हो गया इंटरव्यू मेरा, मतलब हाँ, तो सर ने बोला आई कैन गो नाउ, और फिर जब मैं उठा तो उन्होंने वापस से बोल दिया गो एंड रीड अबाउट हिंदुइज्म अगेन, तो वो वाकई सब पैनल फिर से हंसने लग गया, तो मैं बोला यस सर डेफिनेटली आई विल रीड अबाउट इट। तो हो गया सर, ऐसा था।
ठीक है तो इसका मतलब एचआर क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे, जो आपने सबमिट किया था उसी के रिगार्डिंग था, एक महाराष्ट्र रिलेटेड था, एक आपका हिंदुइज्म के ऊपर में था। यस सर, मैं बोलना चाहूंगा सर कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस और इसके वजह से ना वो लोग देख रहे कि द वे यू आंसर देन व्हाट यू आंसर, वो ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन सर खुद बैठे थे और उन्होंने ज्यादा इस पे भी ग्रिल नहीं किया सर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी बेसिक सवाल पूछे, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सवाल था क्या, मतलब अभी तक आईएफएससी रिलेटेड मुझे पर्सनली तो कोई भी सवाल नहीं आया सर आईएफएससी रिलेटेड स्पेसिफिकली। ठीक है तो आपका इंटरव्यू आज कौन से नंबर पे था, मतलब फर्स्ट था? आज मेरा आफ्टरनून सेशन का फर्स्ट इंटरव्यू था सर, मतलब मेरे साथ कुछ मॉर्निंग वाले थे उनका खत्म हो गया, इमीडिएटली मेरा लिया गया, शायद से मेरे एक दो बाद वो लंच के लिए चले गए सर था कुछ। अच्छा ठीक है गॉट इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस इज गोना हेल्प लॉट ऑफ पीपल। यस सर, श्योर सर।